इस धारावाहिक की घटनाएं और पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कुंती की मां, मैंने जो तुमसे वादा किया था वो मैं निभा रही हूं। इसी में कुंती की भलाई है। उसके बच्चे को भी एक अच्छी परवरिश मिल जाएगी और कुंती को एक नई जिंदगी मिल सकती है। वो नादान समझती है कि मैं उसकी दुश्मन हूं। कुंती की जिंदगी संवारने के लिए उसके बच्चे को उससे दूर करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। काश काश वो मुझे समझ सकते। नमस्ते गवर्नर साहब। नमस्ते बेगम साहिबा। नमस्कार, आइए आइए, बैठिए। बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? जी नहीं शुक्रिया, दरअसल मैं समारोह का कार्ड देने आई थी। ये लीजिए। जानती हैं बेगम, यह आश्रम मजबूर और बेसहारा औरतों को ठिकाना देकर उनकी मदद करता है। ये लोग बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ है ये आपका आश्रम? यही चौक से आगे वाली सड़क पर। अच्छा, और आपके इस जलसे में प्रोग्राम क्या है? दरअसल इस आश्रम में आने वाली औरतें नाजायज बच्चों की माँ होती है। आश्रम उन्हें आसरा देकर बच्चों को जन्म देने की पूरी सुविधा प्रदान करती है। बाद में हम उन बच्चों को जो जरूरतमंद हैं, उन्हें गोद दे देते हैं। तो उस दिन जलसे में बच्चे गोद दिए जाएंगे? जी हाँ, और मैं चाहूंगी कि ये काम आपके हाथों हो। तो जो बच्चे गोद दिए जाते हैं उसके लिए क्या हर माँ राजी हो जाती है? ये उनकी अपनी मजबूरी है। वो औरतें आश्रम में आती है इसलिए ताकि उनसे छुटकारा मिल सके। लेकिन एक माँ अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने किसी और को कैसे दे सकती है? पाप को अपने सीने से लगा के वो औरतें अपनी जिंदगी तो नहीं जी सकती। और फिर हम कोशिश करके उन बच्चों को ऐसे लोगों के हाथों सौंप देते हैं जो उनकी अच्छी तरह से देखभाल कर सके। मतलब है, गोद लेने वालों से आप पहले ही पूछताछ करके इत्मीनान कर लेती हैं? जी। और वो जो एडॉप्शंस के रूल्स रेगुलेशंस हैं उन्हें आप फॉलो करती हैं? जी हाँ बिल्कुल। मतलब अब तक काफी बच्चे अडॉप्ट किए जा चुके होंगे? साल में बहुत से बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें गोद देकर हम उन्हें एक अच्छा भविष्य प्रदान करते हैं जो आश्रम में रहने वाली औरतें अपने बच्चों को कभी नहीं दे सकती। वाकई आप बहुत नेक काम कर रही हैं। उन बच्चों को आबाद करके उन्हें इज्जत और एक बेहतर जिंदगी देना बहुत बड़ा काम है। बेगम साहिबा, आप भी जरूर आइएगा। सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या है, आपका जलसा 5 अगस्त को है और मैं 2 को लंदन जा रही हूँ, नहीं तो मैं जरूर आती। गवर्नर साहब, मैं आपको 4 बजे लेने आ जाऊंगी। अरे नहीं, आपने इत्तला कर दी, कार्ड दे दिया। वैसे भी मैं वक्त का बहुत पाबंद हूँ, मैं सही वक्त पर आपके आश्रम में हाजिर हो जाऊंगा। आपको और कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। अच्छी महिला है।
की माफी चाहती हूँ गजेंद्र, लेकिन मेरे सामने समस्या ऐसी थी कि मुझे आना पड़ा। तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे होती मेरे सामने आने की? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी बेटी कुंती की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। बेटी? बेटी और बाप का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो चुका था जिस दिन वो इस घर की चौखट लांग कर गई थी। अगर बेटी को समझने की कोशिश की होती तो आज उसकी ये हालत ना होती। तुम मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूँ कि जो जिम्मेदारियां तुम्हारे कंधों पर होनी चाहिए थी वो मैं निभा रही हूँ। यह बात कह के तुम मेरी नजर में अपने को ऊपर साबित नहीं कर सकती। तुम वही कर रही हो जो तुम्हारा धंधा है। अगर तुम्हें इतनी समझ होती तो क्या बात थी। ये तो अच्छा हुआ कि कुंती मेरे पास आश्रम में आ गई, वरना तुमने तो उसे अपने हाथों मार डाला होता। मैंने अपने हाथों से नहीं मारा तो क्या हुआ? मेरे लिए मरी चुकी है वो। जिस दिन वो मर गई ना, खून के आंसू रोके, याद रखना वो कोई और होंगे जो रोते होंगे। हाँ, तुम तो एक पत्थर के बने हुए हो। मैं तुमसे अब बहस करने नहीं, सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मैं कुंती के बच्चे को गोद दे रही हूँ। मैं क्या करूँ? वो आश्रम में मेरे से पूछकर नहीं गई थी। तुम उसके बेटे के साथ क्या करते हो क्या नहीं, ये तुम जानो वो जाने। मैं तुम्हें इसलिए बताने आई हूँ कि कल को बेटी के लिए प्यार पैदा हुआ तो खानदान के चिराग के लिए बाद में मेरा गला मत पकड़ना। बाप की संतान ऐसे कलंक खानदान के चिराग नहीं बना करते। ये बाप तभी तक है जब तक उसके बच्चे के बाप का नाम छिपा है। और उसके बाप का नाम कुंती बताएगी नहीं। जब सारे फैसले उसी ने करने हैं तो भाग हो जाए वो, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। मैं उसकी भलाई के लिए उसके बच्चे को ऐसे परिवार में भेज रही हूँ जहाँ उसे बाप के नाम के साथ अच्छी परवरिश भी मिलेगी, जिंदगी बन जाएगी उसकी। जब मेरे अपने ही खून ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है तो उस बच्चे की जिंदगी बनती है या बिगड़ती है मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। इसका मतलब तुम्हें बच्चा गोद देने में कोई एतराज नहीं है? गोद दो या उसे गटर में डाल दो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, यही सुनना चाहती थी मैं तुमसे। अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी बातों से मेरा गुस्सा बेकाबू हो रहा है। चलो निकलो। गजेंद्र! मैंने कह रहा निकलो यहाँ से। गजेंद्र, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि कुंती के बच्चे का बाप कौन है? अरे भाग आ जाए बाप, तुम निकलो यहाँ से। लोगों को ये बात पता है या नहीं? आज से 15 दिन बाद आश्रम के रजत जयंती का समारोह है। आश्रम ने 25 साल पूरे किए हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी। खुशी के साथ साथ मेरे लिए गर्व की बात है कि आश्रम की मैंने पूरे 25 साल देखभाल की है। इन 25 सालों में कितनी औरतें आई और गईं। इस आश्रम का हम सबके जीवन में बड़ा योगदान है। फिर तो समारोह भी बहुत बड़ा होगा ना दीदी? हाँ, इसलिए हमें आज से ही उसकी तैयारियां शुरू कर देनी है। कुंती? जी दीदी। तुम इस समारोह में क्या भूमिका करो, मेरा मतलब है तुम क्या करना चाहो? आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ दीदी। मैं चाहती हूँ कि आश्रम की सजावट और मेहमानों के स्वागत की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जी दीदी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तुम आज से उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। रमा, प्रभा, शीला तुम्हारी मदद करेंगे। जी दीदी। दीदी, क्या मैं इस समारोह में कोई डांस प्रोग्राम करूं? तुम अपनी तैयारी करो,
उस समय जैसा उचित होगा किया जाएगा। यानी दीदी अभी से सारा कार्यक्रम निश्चित करना होगा ना? मुझे दो दिन की मोहलत दो, मैं आश्रम के ट्रस्टियों के साथ बैठकर सब प्रोग्राम फाइनल कर दूंगी। इस समारोह में गवर्नर साहब मुख्य अतिथि होंगे। क्या गवर्नर साहब आ रहे हैं? हाँ, इसलिए हमारी जिम्मेदारी अब ज्यादा बढ़ गई है। शीला, तुम आश्रम की साफ सफाई का काम अभी से शुरू कर दो। ठीक है दीदी। क्या आश्रम की पुताई वगैरह भी करवानी होगी? ये तो कार्यक्रम के बजट पे डिपेंड करता है। एक बार मेरी ट्रस्टीज के साथ मीटिंग हो जाए फिर मैं बताती हूँ। वैसे तुम एक काम करना, ये जो किचन की तरफ कचरा पड़ा हुआ है ना, उसकी सफाई अभी से कर दो। कुंती, मैं तो ऑफिशियल काम में बिजी रहूंगी, तुम इन सब की निगरानी करना, ठीक है? तुम इतनी चुप क्यों हो? जी, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी। तो ठीक है, एक बार ऑफिस में आकर चेक करना कि इनविटेशन कार्ड्स दिए गए हैं नहीं। अगर कुछ रह गए होंगे तो उन्हें भी पोस्ट कर देना, ठीक है? मुझे पहचाना तो, वरना मुझे लग रहा था मुझे अपना परिचय देना पड़ेगा। अरे इतने पुराने दोस्त को कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर गले लगना यार। क्या बात है, मजा आ गया। क्या बात है भैया। बाप रे, 15 साल बाद तुझे देख रहा हूँ। तू ऑस्ट्रेलिया से आया कब? अरे कल ही आया हूँ। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें फोन कर दूं, फिर मुझे लगा कि सरप्राइज दूं, क्योंकि फोन करने से ज्यादा सरप्राइज में मजा है कि नहीं? और तुमने मुझे रियली सरप्राइज दे दिया। अजय बता, भाभी जी बच्चे कैसे? बस ऊपर वाली की मेहरबानी है, बहुत बढ़िया। तेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही, उसी की वजह से तो फुर्सत निकालना मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार मैंने तय किया था कि भाई फुर्सत तो निकालनी पड़ेगी, वरना हम लोगों ने आपस में जो वादा किया वो अधूरा ही रह जाएगा। कैसा वादा? ए, तुझे अपना वादा भी याद नहीं? याद है, लोगों ने सोचा था जब कुंती और योगेश बड़े हो जाएंगे तो इन बच्चों की आपस में शादी करेंगे। कहाँ है भाई कुंती, मेरे होने वाली बहू? अरे घर पर नहीं है। कहाँ गई? अरे तू अपनी सुना है यार, इतने वर्षों बाद मिला है और तू कुंती को लेकर बैठ गया। ए अजन, कहीं तूने कुंती की शादी वादी तो नहीं कर दी ना? तो फिर मेरी बात टाल क्यों रहा था? नहीं, शादी वादी नहीं की है। फिर कहाँ है वो? वो यहाँ नहीं रहती यार, अपने मामा के पास रहती है कलकत्ते। तो फटाफट उसको बुला, इस बार हम लोग योगेश और कुंती की शादी के लिए खास तौर से आए। शादी? हाँ। ए, क्या हुआ, कहीं तू अपने वादे से मुकर तो नहीं रहा? तुझे हमारे बेटे से कुंती की शादी पसंद नहीं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है मनोहर। अरे तो फिर हाँ करना यार, मैं फटाफट तेरी भाभी को और योगेश को इंडिया बुला लेता हूँ। बस चट मांगनी है, पट जा। मैं कलकत्ते चिट्ठी लिखता हूँ। छी। अरे यार, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया, तू अभी वहीं हो रही है। कमाल यार, फोन कर यार, फोन तो होगा वहाँ। हाँ तो बस जब तक कुंती आएगी योगेश भी इंडिया आ जाएगा, आपस में उनको मिला देते हैं, आपस में वो अच्छी तरह बात कर ले। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि उनके ऊपर ये शादी थोपी गई, ठीक है ना? तो मैं यार मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ, कल सुबह आता हूँ, इतना से बात करता हूँ। उनका कहाँ है? वही अपने पुराने घर में बुआ जी के साथ। चलो तो सुबह मिलते हैं हम लोग। हाँ हाँ, चलो। करने को कहा है तो फिर उठ कर क्यों आ गई यहां? डॉक्टर तो बहुत कुछ कहता रहता है, तो
मैं जानती हूँ, मैं सिर्फ चंद दिनों की मेहमान हूँ। डॉक्टर से बढ़ के है क्या फालतू बातें करती रहती? ठीक हो जाएगी तू, जाकर आराम कर। मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्या बात है इसे? मेरे जाने के बाद कुंती का ख्याल रखोगे ना? बोलो, वादा करो मुझसे। कैसी बातें करती है तू? मैं उसका बाप हूँ, कसाई नहीं हूँ। कुंती बिना मुंह की बच्ची है, वह कुछ कहती नहीं पर अंदर ही अंदर सारा दर्द पी जाती है। उसको डांटना मारना मत। क्या हो गया तुझे? इस वक्त ये बातें क्यों कर रही है तू? शायद इन बातों के लिए बाद में मौका ना मिले। और सुनो, मनोहर भाई ने अपने बेटे योगेश से कुंती की शादी का वादा किया है। हाँ, मालूम है मुझे। मनोहर भाई के घर अगर कुंती बहू बनकर जाएगी तो उसे सब सुख मिल जाएगा। हाँ हाँ, करा दूंगा। अगर मनोहर को कोई एतराज नहीं होगा तो मैं क्यों शादी में रुकावट डालूंगा? याद रखना, भूल मत जाना।